जयपुर में किराए पर रहकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के सामने कोरोना काल में मकान किराया देना बड़ी समस्या है। शहरों में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगार लॉकडाउन में अपना सामान छोड़कर अपने घरों की ओर लौट गए थे, लेकिन करीब 3 महीने तक लॉकडाउन रहा, जिसके चलते बेरोजगार अभ्यर्थी वापस नहीं आ पाए। लेकिन मकान मालिक अब 3 महीने का किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने प्रदेश भर में अभियान शुरू किया, जिसमें बेरोजगार संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता हाथ जोड़कर गुलाब का फूल देकर किराया माफ करने की मांग कर रहे हैं, जो अब कहीं ना कहीं रंग ला रही है। और मकान मालिक भी किराया माफ कर रहे हैं। इस अभियान के तहत करीब 10 लाख रुपए का किराया माफ करवाया जा चुका है। देखो, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बेरोजगारों को किराया माफ हो। लगातार हम मकान मालिक के पास जा रहे हैं, गुलाब का फूल देकर हाथ जोड़कर किराया माफी के लिए हम गुहार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गुजर के थड़ी चंपा नगर में एडवोकेट गौतम जी हैं, रोहित गौतम जी, जिन्होंने 7 लाख रुपए से ज़्यादा किराया माफ़ किया और ये भी घोषणा की है कि जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा वो बेरोजगारों से 1 रुपये नहीं लेंगे। तो हमारे समाज में, देश और प्रदेश में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हर बेरोजगार की पीड़ाओं को समझते हैं, आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उनका किराया माफ़ कर रहे हैं। तो मैं और भी प्रदेश के उन मकान मालिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो एडवोकेट रोहित गौतम जी से सीख ले और किराया माफ़ करके बेरोजगार को राहत प्रदान करें। जैसे ही लॉकडाउन हुआ और बच्चों ने कहा कि साहब हम अपने गांव जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम किराया नहीं दे सकते, तो अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हम किराया नहीं दे सकते। तो सबको हमने बाई फ़ोन और टेलीफोनिक भी मना कर दिया कि आपको जब से लॉकडाउन लगा है और तब तक लॉकडाउन रहेगा, तब तक आपका किराया माफ़ रहेगा। क्योंकि जैसा कि अभी उपेंद्र यादव साहब जो राजस्थान बेरोजगार और एकीकृत महासंघ के स्पोक्समैन हैं, इन्होंने भी ये मुहिम पूरे राजस्थान में चला रखी है, और उसी के माध्यम से फिर इन्होंने ये हमसे भी कहा कि साहब आपने क्या किया है। तो हमने भी इनको ये भी कहा कि साहब हमने भी पूरे राजस्थान की, मतलब हमारे जो 2 PG हैं जिसमें 3 महीने का हमने उनको, जब तक लॉकडाउन रहेगा 3 महीने, क्या पता आगे भी बढ़ेगा, तो आगे भी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए, क्योंकि अब बच्चे बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार बेचारे बच्चे कहाँ से देंगे पैसा। तो इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वी हैव एग्जेम्प्टेड देयर रेंट फ्रॉम टिल द स्टार्ट ऑफ लॉकडाउन टिल द डेट ऑफ एंड ऑफ लॉकडाउन। मेरे 2 PG हैं, एक गुजर की थड़ी पर, एक महारानी फार्म पर। दोनों में जो स्टूडेंटों की संख्या है वो 70 के आसपास है। और जैसा कि राजस्थान बेरोजगार महासंघ, एकीकृत महासंघ है, इनके अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, इनसे मिला, और मिलने के बाद में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने का हम लोग स्टूडेंटों से कोई किराया नहीं लेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने एक निर्णय और लिया कि जब तक स्टूडेंट नहीं आते हैं यहाँ पर, तब तक का उनका पूरा किराया माफ़ रहे।